الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قابل احترام 25वें पारे में हमने सूरह शूरा यानी हाम मीम ऐन सीन काफ का आगाज़ किया था। इसका एक रकू हमने पढ़ा था जो 9 आयात मुबारका पर मुश्तमिल था। और ये सूरह मुबारका भी पिछली सूरतों की तरह मक्की सूरतों का एक तसलसल है और ये हवामीम में से एक सूरह मुबारका है। इसका एक अलग से मुनफरिद किरदार है जो पिछली सूरतों के मुकाबले में है, और वो ये है कि इसका नाम चूँकि शूरा है जिसका माना मशवरा है और मुशावरत है, इसके अंदर सिर्फ तौहीद बारी ताला का बयान ही नहीं है बल्कि अल्लाह तबारक व ताला को एक मानने से आगे चलकर अल्लाह ताला की हर बात को मानने और अपने तमाम मामलात में अल्लाह ताला को हाकिम मानने की तरफ इशारा है। और ये अब मौजू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा शूरा की तरफ कि हुक्म अल्लाह का चलेगा, मुशावरत तुम्हारी चलेगी। ये असल बात है जो इस्लाम के पॉलिटिकल निज़ाम की भी बुनियाद है कि कौले फैसल हर मामले में अल्लाह का होगा, इंसानों के पास इख्तियार सिर्फ मशवरा करने का है कि कब कर लें, किस वक़्त कर लें और कैसे कर लें। लिहाजा ये आज की जो सूरत है ये अल्लाह तबारक व ताला के हाकिम होने की तरफ और अपने हर मामले में अल्लाह को सालिस और फैसला कौन किरदार मानने की तरफ ये इशारा कर रही है। और ये मौजू आगे फिर शूरा की तरफ जाएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमख्तलफ्तुम फीहि मिन शैइन फहुक्मुहू इलल्लाह। वाओ का माना और, मा का माना जो, इसमें मौसूला है इख्तलफ तुम इख्तलाफ करो फी है किसी भी मामले में, और वो मामला जिसके अंदर तुम इख्तलाफ कर लो मिन शय इन किसी भी बात के हवाले से तो फहुक्मुहू इलल्लाह उसका जो फैसला है वो अल्लाह तबारक व ताला के सपुर्द कर दो। सपुर्द करने से मुराद ये नहीं है कि बस अल्लाह जाने आप और मैं यहाँ बैठे रहें, सारी एफर्ट्स इंसानों की होंगी, फैसला अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक होगा। ये माना है अल्लाह के सुपुर्द करने के। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बी अलैहि तवक्कलतु, और फरमाया जा रहा है कि इस चीज़ का ऐलान कर दिया जाए ऐ हबीबे मुकर्रम, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बी यही है मेरा अल्लाह मेरा रब, अलैहि तवक्कलतु इसी पर मैंने तवक्कुल किया भरोसा किया, व इलैहि उनीब और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। सूरत मक्की है और नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो वहाँ अथॉरिटी है और आपका जो अकीदा और ईमान है उसको बयान किया जा रहा है। फैसला अल्लाह का चलेगा और ए हबीब आप इस बात का ऐलान कर दें कि मैंने अपने हर मामले में अल्लाह पर भरोसा किया है और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। अब रब और भी तो अहले मक्का अपने अपने मिजाज के मानते थे, ये मेरा रब है, ये मेरा रब है, ये फलां कबीले का रब है, तो थोड़ा रब का भी तारुफ करवा दिया गया है कि तुम्हारे लात मनात हुबुल बुत ये रब नहीं है, ये उस रब की बात हो रही है जिसकी तरफ हजूर इशारा फरमा रहे हैं कि मैंने अपने रब पर भरोसा किया और मैं अपने रब की तरफ रुजू करता हूँ। वो रब है जिसका तारुफ अगली आयात में, फातिर उस्समावात वल अर्द वो पैदा करने वाला है, फातिर वो पैदा करने वाला है, अस्समावात आसमानों का, वल अर्द और ज़मीन का, और ये जो सूरज चांद सितारे और तुम्हारे बुत हैं ये तो ज़मीन और आसमान के दरमियान खुद मखलूक के खुदा हैं, ये खालिक होने का दर्जा कैसे हासिल कर सकते हैं। और ये उसके बाद जो दलील है अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत की तरफ वो ये है कि जाअला लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, जाअला उसी अल्लाह ने बनाए हैं लकुम तुम्हारे लिए, मिन अनफुसिकुम तुम्हारी अपनी जिन्स से तुम्हारे अपने अंदर से, अज़वाजा जोड़े जोड़े, पहले एक आदम थे फिर उनके साथ हवा हुई फिर उनकी औलाद में एक ऐसा सिलसिला चला कि जोड़ा जोड़ा जो है वो इंसानों के अंदर पैदा हो गया। सिर्फ इंसानों के अंदर ही नहीं, व मिनल अनआम अज़वाजा, वाओ का माना और, मिनल अनआम जो चौपाए हैं उनके अंदर भी बना दिए हैं, मवेशियों के अंदर बना दिए हैं, अज़वाजा जोड़े जोड़े। तो ये तो कुरान का वाज़ेह कॉन्सेप्ट है और ये इसको तो लोग देख रहे थे,
अपनी आँखों के सामने कि मियाँ बीवी होते हैं, इनसे औलाद चलती है, जानवर होते हैं, हर नर के मुकाबले में मादा होती है, और फिर साइंस ने तरक्की की, आज यहाँ तक पहुँची, आज साइंस बतला रही है कि नबातात में से भी हर चीज़ का जोड़ा जोड़ा होता है, आपके दरख्तों का भी जोड़ा जोड़ा होता है, दरख्तों के ऊपर भी मेल और फीमेल के स्पर्म होते हैं, हवाएं चलती हैं, वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे अल्लाह मुंतकिल फरमाता है, और फिर इस तरह आगे अमल जो है उसका आगाज़ हो जाता है। बल्कि और जब आईटी आगे बढ़ी और इसमें तो पता चला कि आपकी तो जो ठंडी गर्म तार है ये भी मेल और फीमेल का जो है वो तसव्वुर रखती है, इसके बगैर इलेक्ट्रिसिटी आपकी पूरी जो है वो आगे नहीं चल सकती। तो अल्लाह ताला ने पूरे इम्तिजाज के साथ अपनी कायनात को चलाए, और इसी बात की तरफ इशारा है, जिसने ये सारा किया है बात भी तो उसी की मानो। ये कैसे हुआ कि पैदा अल्लाह ने किया, उसने अथॉरिटी उसने दी, और बात आपने अमेरिका की माननी है, बात आपने फंडिंग करने वाले इदारों की माननी है, तो ये एक अनोखी मंतक है जिस जो मुसलमानों को ले के बैठ गई है पूरी दुनिया के अंदर। और यज़रऊकुम फीहे, और वही है फिर जो तुम्हारी नस्ल को आगे चलाता है, पैदा भी उसी ने किए हैं जोड़े जोड़े, और इसी से ही वो तुम्हारी नस्ल को भी आगे चलाता है। देखें ना, एक तजिया करें अपने ख़ानदान की तरफ, मैं भी करता हूँ, अपने वालिद साहब को हम देखें, वाले साहब के सिर्फ वाले साहब को देखें, एक सदी गुजरी होगी इन तीन लोगों पे, तीन नस्लों पे एक सदी गुजरी है, एक हमारा दादा और एक हमारा परदादा इस कायनाते अर्जी में हमारी इंफॉर्मेशन मेमोरी और नॉलेज के मुताबिक कम से कम वो 100 लोगों के फैलाव का सबब बना। मेरे वाले साहब 7 बहन भाई थे, एक हमारे वाले साहब की 7 औलादें, बाकी चचा फूफियाँ सब की औलादें देख लें, उनके वाले देख लें, उनके 5 बच्चे थे, उनके आगे बच्चे देख लें, तो वो जो विसाल का वक्त है वो 1930 है, 1930 हमारे दादाजी का, तो ये एक साल में 100 बंदों से ज़्यादा बंदा, एक बंदा नस्ल आदम में इजाफे का बायस बन रहा है, इसी तरफ इशारा है। जोड़े उसने पैदा किए हैं, वयज़रऊकुम फीहे, और वही है जो इसके ज़रिए तुम्हारी नस्ल को चलाता है। और देखें कल के जो बच्चे थे वो आज के जवान हैं, जो आज के जवान थे वो कल के बूढ़े हैं, एक निज़ाम है जो चल रहा है। लैसा कमिसलिही शैउन, लैसा नहीं है कमिसलिही उसकी मानद शैउन कोई भी चीज़, उसकी मानद तो कोई चीज़ है ही नहीं जो खल्क़े कायनात है, तुम बनाए बैठे हो, अल्लाह के शरीक बनाए बैठे हो। वह समीउल बसीर, तुम्हारे बुत तो ना सुनते हैं ना देखते हैं, अल्लाह वो है कि वही असमी सब कुछ सुनने वाला है, अलबसीर सब कुछ देखने वाला है। लहू मकालीद समावात वल अर्द, लहू उसी के पास हैं, उसी के कब्जा में हैं, मकालीद चाबियां कुंजियां असमावात आसमानों की, वल अर्द और ज़मीन की, उसी के पास ज़मीनों आसमान की कुंजियां हैं, कुंजी ताले को लगती है, ताला पूरे निज़ाम को खोलता है, सारी कुशादगियां सारे रास्ते खोलने का मामला अल्लाह के पास है। क्योंकि जो अहले मक्का मुशरिक थे वो अपनी हर मुश्किल की कुशाई का एक अलग बुत बना के बैठे थे, उसकी एक अगर मिसाल देखनी हो तो हिंदुओं को देख लें, हर चीज़ का खुदा अलग है, औलाद नहीं हो रही खुदा अलग है। बाज़ कबीले हिंदुओं के अंदर ऐसे भी हैं जो इंसानी ऑर्गन्स की पूजा करते हैं, जो मर्द के आज़ा हैं उनकी पूजा करते हैं औलाद की औलाद के मांगने की खातिर, औरतों की शर्मगाह जो है बाकायदा उसको पूजा जाता है, औलाद नहीं हो रही, इससे ज़्यादा और कमज़र्फ़ी और इंसानियत का गिरना कैसे हो सकता है। तो अल्लाह फरमा रहे देखो उसकी मिसल तो है ही कोई नहीं, इतना गिर गए हो तुम कि तुम उन चीज़ों की पूजा करने लग गए हो कि जिनका तसव्वुर भी नहीं हो सकता। लहू मकाली दो समावात वल अर्द, आगे बढ़ो, अकीदा और अपना ईमान पुख्ता करो, सारी चाबियां खजानों की आसमानों और ज़मीन की उसी के हाथ के अंदर हैं। यबसुतु रिज़्क लिमन यशा व यक़दिर, यबसुतु बसीत करता है, कुशादा करता है, अर्रिज का रिज उस शख्स का, लिमन यशा जिसको चाहता है, जिसके लिए चाहता है उसका रिज को शादा कर देता है, व यक़दिर और जिसका रिज चाहता है वो तंग कर देता है। ये रिज का मामला तो अल्लाह के पास, और आप ये भी यकीन कर लें रिज का मयार ईमान भी कोई नहीं है, रिज का मयार नमाजें भी कोई नहीं है, रिज का मयार तजद भी कोई नहीं है। अगर ये बात है तो सुपर पावर फिर मुसलमान होने चाहिए माली लिहाज, नमाजें ये पढ़ते हैं बेचारे, जुमे ये पढ़ते पढ़ाते हैं, ईदें ये पढ़ते हैं, ज़कात ये देते हैं,
लेकिन अल्लाह ताला जिसको नवाज़ दे जिस जगह पे, नमाज रोज़ा ईमान रिज़्क़ का मामला और मेरिट नहीं है, मेरिट अल्लाह के यहाँ है। वो क्या है वो वही जानता है कि उसके यहाँ मेरिट क्या है। इन्नहु बिकुल शैइन अलीम, और वो रिज्क भी देने वाला है और वो इल्म भी इतना रखने वाला है जितना इल्म कायनात के किसी तुम्हारे झूठे खुदा के पास नहीं है। इन्नहु, बेशक उसकी शान ये है कि बिकुल शैइन, हर चीज़ को अलीम, वो खूब जानने वाला है। ये जो अगली आयत है ना, ये है असल कि अल्लाह को मानो और अल्लाह की भी मानो। असल मसला ये है जिसमें अहले मक्का अड़े हुए थे और आज उम्मत भी अड़ी हुई। ये शरीयत की बात हो रही है, ला इलल्लाह की तस्बीह पढ़ने की बात नहीं हो रही, शरीयत की बात हो रही है। ला इलल्लाह को मानो लेकिन उसकी भी तो मानो ना, बाहर निकलो तो पूरे निज़ाम के अंदर उसी की मानो। शराअ लकुम, शराअ उसने मुकर्रर फरमा दिया है, मशरू कर दिया है, लकुम तुम्हारे लिए। इस शराअ से निकली है सर शरीयत। शादी के सांचे अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए, मरने के सांचे अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए, खुशी गमी के सांचे अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए, बिल्कुल उनकी बाउंड्री हर जगह पे तय कर दी। रो अगर तुम्हें गम हो, इस्लाम कोई कदगन नहीं लगाता। खुशी मनाओ, हंसो खेलो, इस्लाम कोई कदगन नहीं लगाता। लेकिन तुम्हारी खुशी किसी को डिस्टर्ब करने का बायस बन जाए, ये अल्लाह को पसंद नहीं। तुम्हारा गम इंसानी कदरों को पामाल कर दे, अल्लाह को पसंद नहीं। तुम शर्फ इंसानियत के हामिल हो, तुम आला मखलूक को अपने ही चेहरे पीटते हो, अपने ही सीने पीटते हो, अपने ही गरेबान फाड़ते हो, अपनी ही ज़ुबान से ऐसे जुमले कहते हो जो तुम्हें भी ज़ेबा नहीं है, ये गम हमें पसंद नहीं। यानी इस्लाम फीलिंग्स को भी ट्रीट करता है, गम करो खुशी भी करो लेकिन हदूद के अंदर रहकर। शारा आप बड़ा कमाल लफ्ज़ है अगर इसको को समझे। मैं रात को एक मुफसर को पढ़ रहा था, आप यकीन करें 7 सफ़े उसने सिर्फ शारा पे लिखे, जिनका करक्स ये है कि अल्लाह को सिर्फ नहीं मानना बल्कि अल्लाह की भी माननी है, तब बंदे मोमिन पूरे कमाल पे जाएगा। फिर इसराइल सामने नहीं रहेगा, फिर IMF से कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अंदाज़ा करें ना, 22-24 करोड़ की पाकिस्तान की आबादी में हर बंदा 2-3 लाख का मकरूज़ है। डॉलर 1 रुपया ऊपर नीचे जाता है, हज़ारों अरब रुपए का कर्जे के अंदर फ़र्क पड़ जाता है। शारा का हमने एतात और फर्माबरदारी नहीं की, शरीयत को नहीं देखा, हमने सूद को माम बाप माना है, हमारे पूरे निज़ाम ने जिसने तबाही फेर के रख दी है पूरी उम्मत मुस्लिमा। शारा अलकुम उसने मुकरर फरमा दिया है तुम्हारे लिए, मिनत दीन है वो दीन। अच्छा अगला जो जुमला है थोड़ा सा कन्वर्ट हो गया है बड़े कमाल अंदाज में, तुम्हारे लिए शरीयत मुकरर कर दी गई है और ये कोई नई शरीयत नहीं है कि तुम ले के बैठ जाओ कि मोहम्मद अरबी कैसा पैगाम लेके आए। मैं ये कोई अजनबी पैगाम नहीं है, ये वही पैगाम है जो नूह का पैगाम है, ये वही पैगाम है जो इब्राहिम मूसा और ईसा का पैगाम है, ये कोई नया पैगाम कोई नहीं आया। मेरे हबीब की जान के दुश्मन बन गए हो, पत्थर मारते हो, हरम में नमाज नहीं पढ़ने देते हो, क्या समझे हो कि मेरे हबीब का लाया हुआ को निज़ाम अजनबी निज़ाम है? इस निज़ाम से तो इंसान इस ज़मीन के पहले भी वाकिफ है। कौन कौन से? मा वस्सा बिही नूहा, जिसका उसने हुक्म दिया था नूहा नूह को। ये को नई फलसफा नई मंतक नहीं है, ये वही पैगाम है जो नूह अलैहिस्सलाम को मिला था। वल्लज़ी औहैना इलैक, और जिसे हमने बज़रिया वही भेजा है इलैका ए हबीब करीम आपकी तरफ, यानी अम्बिया के पैगाम की तरफ अहले मक्का को धकेला जा रहा है ज़हनी तौर पर कि तुम जानते तो हो ना पुरानी कहानियाँ, जिसको तुम कहते हो साबका कहानी, ये वही कहानी है और सच्ची कहानी है जो मेरा हबीब लेकर आए है। वमा वस्सैना बिही इब्राहिम, वाओ कमाना और मा जिसका वस्सैना बिही, हमने जिसका हुक्म दिया था इब्राहिमा इब्राहिम को। मक्के के लोग हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह से क्या वाकिफ नहीं थे? मक्के के लोग हज़रत इब्राहिम से वाकिफ थे, हज़रत इब्राहिम मक्के के लोगों के हीरो थे, उन्होंने ये शहर आबाद किया था। वहाँ वो कबाइल आबाद थे जो इस्माइल और जनाब इसहाक़ की औलाद में से थे। इत्तेफाक़ ये हुआ कि हज़रत इब्राहिम के जो 2 बेटे थे हज़रत इस्माइल आबाद हो गए आकर मक्के में, और हज़रत इसहाक़ की नस्ल जो है वो सारी रही अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन में। फ़र्क सिर्फ इतना था, वरना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से तो सारे लोग वाकिफ़ थे। अहले मक्का को यही कहा जा रहा है कि ये कोई नया पैगाम नहीं है, ये इब्राहिमी पैगाम है, इसको मानो। व मूसा, और अहले मक्का हज़रत मूसा और ईसा से भी वाकिफ़ थे। क्यों? हज़रत मूसा और ईसा भी ज़्यादा दूर नहीं आए थे को मिस्र और
जो मक्का है और हज़रत मूसा की जो हिजरत है मिस्र से अर्ज़ मुकद्दस की तरफ, ये को लाखों किलोमीटर की मुसाफत पर तो नहीं फैली हुई। अगर आज मेरे और आपके लिए अमेरिका कैनेडा जाना बाई एयर कोई ज़्यादा महीनों पर हफ़्तों पर मुश्तमिल सफ़र नहीं है, तो जो पैदल चलना और जानवरों पे जाते थे उनके लिए भी ये को रॉकेट साइंस नहीं थी। हमसे ज़्यादा वो इन्जॉय करके अपने सफ़र के मामलात किया करते थे। तो मूसा और ईसा के पैगाम से भी वाकिफ़ थे। अहले मक्का को कहा जा रहा है अल्लाह ने जो दीन मुकरर कर दिया है वो वही दीन है जो दीन नूह है, वो वही दीन है, दीन इब्राहिमी है, दीन मूसा है, दीन ईसा है। सवाल पैदा हुआ अल्लाह है क्या दो जुमलों में अगर कोई बात फरमाए तो, मैं वा अन अकीमुद्दीन, अन ये के अकीमू तुम कायम रखना, अद्दीन दीन को, दीन को कायम रखना, सिर्फ जिक्र अज़कार की हद तक नहीं, दीन को कायम रखना अपनी पूरे मुल्क की कानून साजी में, अपने पूरे मुल्क की फैसला साजी में, अपने पूरे मुल्क की मैनेजमेंट में, घर में, किचन से लेकर गली मोहल्ले तक इस दीन को कायम रखना। नंबर टू, वला ततफर्रकू फी हे, वाओ कमाना और ला ततफर्रकू, तफरका ना डालना, फी हे इसके अंदर। तो आज आप देख रहे हैं कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में दीन के अंदर तफरका है, हर बंदे का दीन अपना है और किसी के नज़दीक सबसे आसान काम ये है कि किसी को काफिर मुशरिक और गुस्ताख करार दे दें और आगे चल पड़े। ये दो हुक्म देखें ना कितने प्यारे हैं। तमाम अंबिया का मिशन ये है कि अकीमुद्दीन, निज़ाम कायम करो ठीक ठीक, और दूसरी बात ये वला ततफर्रकू फिये, फिरकाबाजी ना करो, तफरका परस्ती ना करो। इस मसले को हल कौन करेगा? ला ततफर्रकू फिये, इंसानों और दीन के अंदर तफरका पैदा ना, अल्लाह का हुक्म तो ये। लेकिन आप यहाँ देखें, बड़े बड़े मसाले की तकसीम तो समझ आ गई कि ये बरेलवी है, ये देवबंदी है, ये अहले हदीस है, ये शिया है, इनके अंदर 15 फिरकों का जवाब कौन स्कॉलर देगा? कि एक बरेलवी मकतब फिक्र में 15 फिरके बन गए जिनके नज़दीक दूसरा कुफर से नीचे नहीं। देवबंदियों के अंदर कितने फिरके हैं, याती कौन है, ममाती कौन है, अहले हदीसों से पूछें इनके कितने फिरके हैं, ये इस ला ततफर्रकूफिये में कहाँ एडजस्ट होते हैं। लिहाजा अल अमान वल हफीज़, हमें इनफरादी और इजतमाई सतह पर अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, हमने दीन को खिलवाड़ बना दिया। हर बंदे की अपनी मर्जी का दीन, हर बंदे की अपनी मर्जी का दीन है, जिसको वो समझता है वो बेहतर है। लेकिन सबसे बड़ा दीन कुरान मजीद फुरकान हमीद, अहले सुन्नत का तरीका क्या है? सबसे बड़ा दीन कुरान, इसकी सबसे पहली तशरी नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक। हमारा तो ये भी दावा कोई नहीं कि फ़िक़्ह हनफी शाफी मालकी हमली डिवाइन है, ये हमारे आइम्मा का इज्तिहाद है और उन्होंने एक फ़ैसला कौन किरदार अदा किया, आप उसको मानते रहें। अगर आप नहीं मानते तो आप खुद इस काबिल हो जाएं कि कुरान और सुन्नत से मसले निकाल लें। अहले सुन्नत का मनहज सहाबा की पैरवी, अहले सुन्नत का मनहज अहले बैत की पैरवी, अहले सुन्नत का मनहज सूफिया से मोहब्बत और उनकी इताअत और फरमाबरदारी, ये अहले सुन्नत का तरीक है जो ला ततफर्रकू फीहे के अंदर पोशीदा। और मैं अपनी ज़ाती अप्रोच अगर आपकी खिदमत में रखूं, इस बरसग़ीर पाक हिंद में मुसलमान तो मुसलमान, जिसने गैर मुसलमों को भी करीब करके मोहब्बत का पैगाम दिया है वो इस खित्ते के अंदर सूफियाए कराम और बुज़ुर्गान ने दी। उनकी खानकाहों पर जाने वाले लोग तो काफिर मुशरिक और हिंदू भी थे, मोहब्बत का दरस ये था कि ये भी अल्लाह की रहमत के थोड़ा सा करीब हो जाए। नफ़रत नहीं सिखाई, मोहब्बत सिखाई, एक ही जगह पे बैठकर जो है वो मुख्तलिफ वो काम किए हैं जो मोहब्बत बांटने वाले। अहले सुन्नत का 14 सदियों में ये तरीक रहा है। सूफिया ने किसी को काफिर करार नहीं दिया, बल्कि सूफिया को तो गैर मुस्लिमों ने भी माना, ये अहले सुन्नत का माना। जैसे काबोरा अल मुशरिकीन, बहुत गिरां गुजरती है, काबोरा बड़ी कबीर बहुत बड़ी बात होती है, अलल मुशरिकीन मुशरिकीन पर, मा वो बात, तदउहुम इलैहि, जिसकी तरफ आप उन्हें बुलाते हैं। ए हबीब, मुशरिकीन मर जाते हैं अपनी मौत आप, जिसकी तरफ आप इनको बुलाते हैं। मुशरिक पूज रहा होता है बुतों को, अल्लाह के नबी दावत देते हैं कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कोई बुत तुम्हारा खुदा नहीं है। तो अल्लाह फरमा रहे काबोरा बड़ी गिरां गुजरती है, बड़ी मुश्किल होती है बर्दाश्त करना मुशरिकीन के लिए, मा तदउहुम इलैहि, जिसकी तरफ ए हबीब आप उनको बुलाते हैं। और वो कि अल्लाह एक है, ये मुशरिकीन पे गिरां गुजरता है, मर जाते हैं, इनकी मौत आ जाती है। अल्लाह यजतबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब, अल्लाह ही है यजतबी जो चुन लेता है। इसी से लफ्ज़ निकला है मुजतबा, लोग बच्चों का नाम रखते,
तो मुजतबा का माने चुना हुआ, नबी पाक अलैहिस्सलाम का सिफाती नाम है मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा, मुजतबा, ये सारे इसी माना में हैं जिसका माने चुना हुआ होना। अल्लाह यजतबी, अल्लाह ताला चुन लेता है, इलैहि अपनी तरफ, मैं यशा जिसको चाहता है, वयहदी और हिदायत देता है, इलैहि अपनी तरफ, मैं युनीब जो उसकी तरफ रुजू करता, जो रुजू करता है अल्लाह उसको हिदायत दे देता है। अब अगली आयत में एक रीज़न बयान हो रही है कि साबका अकवाम आपस में तकसीम क्यों हो गई, साबका कौमों में तफरकाबाजी क्यों आ गई। सर यहूदियत के आज भी फ़िरके हैं, ईसाइत के आज भी फ़िरके हैं, मुशरिकीन के भी फ़िरके ये हैं कि हर मुशरिक का अपना खुदा था। आप अंदाज़ा करें उनकी सोच का, गर्मी के सफ़र पे जा रहे हैं मुशरिक, साथ सत्तू का बुत बना के जा रहे हैं, ज़ाहिर है उसमें मीठा भी डाला होगा ताकि वो जुड़ा रहे, उसकी चीज़ें एक दूसरे से लिंक हो जाएं, वो कोई शक्ल इख्तियार कर जाए। सफ़र पे जा रहे हैं गर्मी के, सत्तू का बुत बना के पास रख रहे हैं, रास्ते में शदीद प्यास लगती है, ये सत्तू घोल के पी लेते हैं, ये सत्तू उनकी प्यास बुझा देता है। उन्होंने कहा ये हमारा खुदा है। सर्दी गर्मी में सूरज चाँद की तपिश होती है, सर्दी में ठिठर रहे होते हैं, और जब कोई टिकिया निकलती है सुबह 8-9 के करीब उनके जिस्म को ताप देती है, वो कहते हैं यही हमारा खुदा है। रात की तारीकी में अंधेरा है, चांद आ गया, उन्होंने कहा यही हमारा खुदा है। अच्छा, फ़िरकों में बटे कैसे? उनके फ़िरकों की एक वजह अल्लाह बयान फरमा रहा है, और आप यकीन करें मैं समझता हूँ मेरा ये शोबा है मिंबर और मस्जिद मेरा, ये जो वजह बयान हो रही है ना साबका कौमों में तफरकाबाजी की, आज भी हमारे सोसाइटी के मौलवी के अंदर यही बात मौजूद है। आप खुद पढ़ लें इसका तजिया, कल मैं पढ़ने लगा हूँ आज। वमा तफर्रकू, और ना बटे वो फिरकों में इल्ला, मगर कैसे बटे, मिम बाद मा जाअहुमुल इल्म, इसके बाद कि उनके पास इल्म आ चुका था हकीकत का, इसके बावजूद भी वो फिरकों में बट गए। वाय क्यों? बगयम बैनहुम, ये है इस सवाल का जवाब, बगयम बैनहुम, उनके आपस के हसद और नफरत की वजह। बगयन का माना होता है हसद और नफरत, ये नफरत थी जिसने उनको बदल दिया। मुझे आपका निज़ाम पसंद नहीं, एक ने कहा, दूसरे ने कहा मुझे आपका निज़ाम पसंद नहीं, और ये हसद ही है कि जो जिसने मामले को ख़राब कर दिया। साबका कौमों के बिखर जाने की वजह बगयम बैनहुम है। सर आप पढ़े लिखे लोग हैं, आज को तफसीरें पढ़ें बगयम बैनहुम के ऊपर, हर मसलक की, वो खुदा तर्स मौलवियों ने और मुफस्सिरीन ने इसके बारे में बड़ा कुछ लिखा है। साबका कौमों की बर्बादी का जो सबब है वो ये है कि सिर्फ आपस का हसद था। वलौला कलिमतुन, और फिर अल्लाह फरमा रहे हमारे लिए तो मसला ही कोई नहीं, एक सेकंड में तुम्हें दरम बरम कर दें, तुम्हारे चीथड़े चीथड़े कर दें, लेकिन अल्लाह फरमा रहे हमारे यहाँ ये फैसला हो चुका है कि इंसानों को मोहलत देनी है एक ख़ास वक्त तक, वरना उससे पहले क़यामत आ जाए, तुम अपने बुतों और खुदाओं समेत बर्बाद हो जाओ। लेकिन अल्लाह एक फ़ैसला कर चुका है कि एक ख़ास वक्त में क़यामत आनी है, उससे पहले तुम्हारी बर्बादी का हमने किस्सा नहीं लिखना ताकि लोग इस दुनिया में खैर भी ढूंढ लें। ये तुम चंद बुरे लोगों की वजह से कायनात का निज़ाम मैं दरम बरम नहीं करता, हालांकि मैं कर सकता हूँ, तुम मेरे अलावा और लोगों को पूजते हो और उनको खुदा बना के बैठे हो। वलौला कलिमतुन सबकत, और अगर ये फरमान पहले तय ना हो चुका होता, लौला अगर ना होता, कलिमतुन ये हुक्म अल्लाह का और फरमान सबकत पहले हो चुका ना होता, अल्लाह के हाँ मिर रब्बे का आपके रब की तरफ से, इला अजल मुसम्मा एक मुकर्रा वक्त तक की जो मोहलत है इंसानों को देने का फैसला ना हो चुका होता, लकोदिया बैनहुम, अल्लाह फरमा रहे लाम बिला शुबा कोदिया फैसला हो चुका होता, बैनहुम इनके दरमियान, तुम मेरे अलावा किसी और की इबादत करते हो, तुम्हें तो ज़मीन पे चलने फिरने का एक सेकंड के लिए इख्तियार नहीं होना चाहिए था, इसके बावजूद भी तुम्हें इख्तियार दिया गया है। वजह क्या है कि अल्लाह के इल्म में एक फ़ैसला है कि नेकोकार दुनिया को इन्जॉय करें, वरना क़यामत पहले ही आ जाती और तुम सारे रगड़े जाते। वइन्नल लज़ीना ऊरिसुल किताबा मिन बादिहिम लफ़ी शक्किम मिन्हु मुरीब, एक नबी से दूसरे नबी का जो फासला है उसके अंदर यकीनन लोग गुमराह भी हो जाते थे, उसकी तरफ इशारा है। वाओ कमाना, और इन्नल लज़ीना बेशक जो लोग ऊरिसु वारिस बनाए गए अल किताबा किताब के मिन बादिहिम उनके बाद लफ़ी शक्किम मिन्हु मुरीब वो उसके मुतल्लिक ऐसे शक में मुबतला हैं जो बड़ा कलक अंगेज़ है, बहुत शदीद शक है जिसके अंदर वो मुब्तला हैं। ए हबीब आप इनकी कोई सबील निकालें। ईसाइत को 571 साल गुजर चुके थे,
571 साल जब हुजूर तशरीफ लाए। तो ये 571 साल का जो ड्यूरेशन पीरियड है, कम अज़ कम 6 सदियों पे मुहित लोग डाउटफुल थे, ए हबीब इनको कैसे राय इस्लाम की तरफ लाएं। अब कल से ज़िंदगी रही तो ये आयत नंबर 15 होगी कि ए हबीब ये जो 600 साल से गुमराही में अल्लाह को हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा मान बैठे हैं, हज़रत उज़ैर को यहूदी अल्लाह का बेटा मान बैठे हैं और मईशत में सूद ले आए हैं, आपस में हसद की वजह से नबियों को भी उन्होंने कत्ल कर दिया था, इस तरह के लोगों को आप कैसे डील करें, इनको आप प्रीचिंग कैसे करें, इनको दावत इस्लाम कैसे दें, ये कल की आयतें मुबारक में इंशाल्लाह होगा। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए और कुरान का समझना हमारे लिए आसान फरमाए। वमा अलैहि अल्लाह।